मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल आपने पढ़ा डिसोल्यूशन का इंट्रोडक्शन कि डिसोल्यूशन एक्जैक्टली क्या होता है, डिसोल्यूशन को मैं हम किन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अब आज है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन के टाइम पर क्या जर्नल एंट्रीज पास होती है, ये आपको आज के चैप्टर में डिस्क्राइब किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितनी भी हमारी असेट्स होती हैं कैश और बैंक को छोड़कर, ध्यान रखिएगा, कैश बैंक को छोड़कर जितनी भी हमारी सेलेबल असेट्स होती हैं, फिक्स हो चाहे वो करंट हो स्टॉक वगैरह, सारी की सारी एक हम अलग अकाउंट में जो आपको कल बताया था रियलाइजेशन अकाउंट, उसमें ट्रांसफर करते हैं। यानी फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी मींस वी हैव टू ट्रांसफर ऑल द असेट्स एक्सेप्ट कैश बैंक एंड रिजर्व। नेगेटिव जो बैलेंस होता है पेडल अकाउंट का या जो भी एडवाइजिंग सस्पेंस है उसको छोड़कर जितनी भी हमारी असेट्स होंगी सारी असेट्स को हम ट्रांसफर करेंगे कहां पर, रियलाइजेशन अकाउंट। तो उसकी एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। और ध्यान रखिएगा सन्ड्री असेट्स को हम इंडिविजुअली ट्रांसफर करेंगे, यानी एक एक असेट्स को सभी तरीके से, जैसे हमारे पास सब कुछ तो चार असेट्स हैं, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, मशीनरी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, टू स्टॉक, टू डेटर, टू मशीनरी, इस तरीके से ट्रांसफर करेंगे। और ये ट्रांसफर की जाएंगी बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू मीन्स जो अमाउंट हमें बैलेंस शीट में गिवन है, यानी बैलेंस शीट का जो अमाउंट हमें असेट्स का बैलेंस शीट में गिवन होगा उसके बेसिस पर हमें सारी जो हमारी असेट्स की वैल्यू है वो ट्रांसफर करनी है। तो क्लियर हुआ फर्स्ट एंट्री कि वी हैव टू ट्रांसफर ऑल द असेट्स एक्सेप्ट कैश और बैंक, वी हैव टू ट्रांसफर इन टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड इट ट्रांसफर ऑन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मीन्स द अमाउंट विच इज गिवन इन द बैलेंस शीट। अब सेम इसी बेस पर हमें क्या करना होगा, हमें अपनी लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर करनी होगी। तो जो सेकेंड एंट्री होगी हमारी वो क्या होगी, ट्रांसफर ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज इनटू रियलाइजेशन अकाउंट। मींस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज मींस वो लाइबिलिटीज, जिन लाइबिलिटीज को हमें आउटसाइडर्स को पे करना है। ध्यान रखिएगा इंटरनल लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती है, यानी यू कैन नॉट ट्रांसफर द इंटरनल लाइबिलिटीज इनटू रियलाइजेशन अकाउंट। इंटरनल लाइबिलिटीज मींस पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर लोन, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी इंटरनल लाइबिलिटी होती है, रिजर्व, जनरल रिजर्व वगैरह, ये सब इंटरनल लाइबिलिटीज होती है, यानी आप इनको ट्रांसफर नहीं करेंगे। वो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कौन कौन सी होती है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज मींस क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन, बैंक लोन, पार्टनर्स रिलेटिव लोन। एक बात ध्यान रखिएगा, यू हैव टू कंसिडर इट दैट पार्टनर लोन इज टर्म एज इंटरनल लाइबिलिटी, बट पार्टनर रिलेटिव लोन, पार्टनर ब्रदर लोन, पार्टनर्स वाइफ लोन इज टर्म एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। पार्टनर को छोड़ के पार्टनर के रिलेटिव का कोई सा भी लोन एक्सटर्नल लाइबिलिटी माना जाएगा, यानी पार्टनर का लोन इंटरनल लाइबिलिटी माना जाएगा। तो आपको जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है वो आपको ट्रांसफर करनी है रियलाइजेशन अकाउंट में, और वो इसकी जस्ट अपोजिट एंट्री आप पास करोगे। क्या एंट्री होगी उसकी, उसकी एंट्री होगी सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी जितनी भी आपको यहां पे भी जो आपको लाइबिलिटीज ट्रांसफर करनी है वो इंडिविजुअल करनी है, इंडिविजुअल मीन्स सेपरेटली। सपोज आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज तीन है, क्रेडिटर्स, बीपी और लोन, तो सर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और ये भी आपको जो ट्रांसफर करनी है ये भी आपको बुक वैल्यू पर ही करनी है, यानी यू हैव टू ट्रांसफर ऑल दीज लाइबिलिटीज एट द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मीन्स मैंने डिस्क्राइब किया द अमाउंट विच इज गिवन इन बैलेंस शीट। अब थर्ड है ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स और फंड इनटू रियलाइजेशन अकाउंट।
देखिए रिजर्व भी दो टाइप के होते हैं, एक स्पेसिफिक रिजर्व और एक जनरल रिजर्व। तो वो रिजर्व जो स्पेसिफिक नेचर के हैं, जस्ट लाइक ए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो सारे रिजर्व आपको ट्रांसफर करने होंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो जितने भी रिजर्व है स्पेसिफिक नेचर के या फंड जो है स्पेसिफिक नेचर के, वो आपको ट्रांसफर करनी है रियलाइजेशन अकाउंट में। जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट का बैलेंस, ये ट्रांसफर नहीं होते हैं, ये पार्टनर्स कैपिटल में जाते हैं। यानी यू हैव टू ट्रांसफर ओनली स्पेसिफिक रिजर्व लाइक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड सो ऑन। तो उसका क्या होगा, रिजर्व पब्लिक फंड अकाउंट डेबिट टू टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ये भी किस पे होगा, बुक वैल्यू पर ही ट्रांसफर होगा। नहीं, जैसे आपके यहां दो रिजर्व है, स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो रिजर्व यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो वर्कमैन कंपनसेशन या जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और बुक वैल्यू पर ही ट्रांसफर होगा। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, सपोज आपको डेटर्स दे रखी है 20,000 के और लेस इसमें कर रखा है आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सपोज कि 2000 माइनस कर रखा है, नेट वैल्यू दे रखी है आपको 18,000, तो उस केस में जो ट्रांसफर आप रिजर्व असेट्स करेंगे वो तो 20,000 लेटर का अमाउंट होगा, और ये जो रिजर्व का अमाउंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अमाउंट है, ये आपको यहां ट्रांसफर सेपरेटली करना होगा। मीन्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2000, और यहां पे आपके एंट्री पास करेंगे रिलाइजेशन अकाउंट टू डेटर 20,000, यानी ग्रॉस वैल्यू रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगी और जो प्रोविजन यहां माइनस कर रखा है वो आपको सेपरेटली ट्रांसफर करना होगा, किसमें, रिलाइजेशन अकाउंट में। तो ये आपकी एंट्री थी ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड रिलाइजेशन, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आपने असेट्स को ट्रांसफर किया, देन आपने एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया, देन आपने रिजर्व और फंड को ट्रांसफर किया। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या एंट्री है, देखिए आपने असेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर लिया, अब जो नेक्स्ट आपका पार्ट होगा फोर्थ, वो होगा सेल ऑफ असेट्स इन कैश, यानी आपने कैश बेसिस पे असेट्स को सेल कर दिया, यानी जितनी की आपने असेट ट्रांसफर की थी वो सारी असेट्स आपने सेल कर दी, तो उसकी एंट्री क्या होगी, आप असेट्स सेल करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगा, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आप सेपरेटली अकाउंट छोड़ी करेंगे कि टू बिल्डिंग सेल हुई कि टू स्टॉक सेल हुआ, क्योंकि आप सारी असेट्स रियलाइजेशन ऑलरेडी ट्रांसफर कर सकते हैं, कर चुके हैं फर्स्ट एंट्री में, तो मीन्स जितनी भी आपकी असेट्स सेल हुई है कंबाइंडली उस अमाउंट से आप एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सपोज आपकी बिल्डिंग थी 10,000 रुपीज में ये सेल हुई, स्टॉक आपके पास था जो 5,000 में सेल हुआ, टोटल यानी सेल कितने की हुई 15,000 रुपीज की, तो 15,000 से आपको एंट्री पास करनी है, बिल्डिंग और स्टॉक से आपको कोई मतलब नहीं है, यानी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 टू रियलाइजेशन 15। सेपरेटली आपको कौन कौन सी असेट्स सेल हुई है शो नहीं कराना, क्योंकि मीन्स आप ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। अब कई बार ऐसा होता है कि एनी पार्टनर टुक ओवर द असेट्स, यानी कोई पार्टनर ही असेट्स को टुक ओवर कर लेता है, उसको जरूरत थी, सपोज एक्स कोई पार्टनर था, एक्स ने मशीनरी को ले लिया क्योंकि उसके वो पर्सनल यूज के लिए बेनिफिशियल थी, तो उसने वो टुक ओवर कर लिया, तो नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या होगी, असेट्स टुक ओवर बाय द पार्टनर, यानी किसी पार्टनर ने असेट्स को टेक ओवर कर लिया, तो उस केस में क्या होगा, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कंसर्न पार्टनर मींस जिस पार्टनर ने वो असेट्स टुक ओवर की है, सपोज एक्स ने ली है तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी थी आपके पास एक 50,000 रुपीज की और उसे एक्स ने 40,000 रुपीज में टुक ओवर कर लिया, तो जो मशीनरी थी वो तो आप फर्स्ट एंट्री में ट्रांसफर कर चुके होंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो जब एक्स उसे टुक ओवर कर रहा है तो एंट्री आप क्या पास करोगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 40,000 रुपीज में।
यानी ये जो दोनों एंट्री है ये किस पे होंगी, ये आपको पास करनी है सेलिंग प्राइस पर। क्लियर? कंसर्न पार्टनर कैपिटल मींस जिस पार्टनर ने वो असेट्स को टुक ओवर किया है। अब नेक्स्ट जो आपकी कंडीशन है, आपने असेट्स को सेल कर लिया, यानी यू हैव नाउ यू हैव सफिशियंट अमाउंट टू पे द लायबिलिटीज, तो अब आप लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। तो जो नेक्स्ट एंट्री होगी, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज इन कैश, यानी अब आप अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज का, भी ध्यान रखिएगा, तो उसकी एंट्री आप क्या पास करेंगे, उसकी एंट्री पास होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। सपोज आपने दो लायबिलिटी पास की, पे की क्रेडिटर 10,000 और बीपी 2,000, यानी टोटल पेमेंट किया आपने 12,000 रुपीज का, तो आपको सिंपल एंट्री पास करनी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,000 से, सेपरेटली लायबिलिटीज को शो करने की आपको नीड नहीं है। तो ये एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, पेमेंट ऑन लायबिलिटी। अब पहले देखिए, पहले अगर आप कोई पार्टनर असेट्स को कवर कर सकता है, तो कोई पार्टनर लायबिलिटी को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकता है, मीन्स लायबिलिटीज पेड बाय द पार्टनर और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी लायबिलिटी टू कवर बाय द पार्टनर। तो ये नेक्स्ट एंट्री है, लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर, यानी लायबिलिटी को कौन पे कर रहा है, पार्टनर पे कर रहा है। तो सेम इसी के लिए बेसिस पर है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कंसर्न मीन्स इस पार्टनर ने पे किया है, सपोज एक्स ने क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया 10,000 रुपीज से, एक्स ने क्रेडिटर को पे कर दिया, तो एंट्री क्या पास करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 10,000 रुपीज। तो देखिए, फर्स्ट एंट्री मैंने आपको बताया ट्रांसफर ऑफ असेट्स इनटू रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड ट्रांसफर ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज इनटू रियलाइजेशन अकाउंट, थर्ड थी ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड फंड्स इनटू रियलाइजेशन अकाउंट, नाउ फोर्थ वन इज सेल ऑफ असेट्स इन कैश, फिफ्थ असेट्स टुक ओवर बाय द पार्टनर, पार्टनर अगर असेट्स को टुक ओवर कर रहा है तो उस केस में, सिक्स पेमेंट ऑफ लायबिलिटी इन कैश, जब सेल करने से जो अमाउंट आपके पास आया उसमें से आपने लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया, और सेवेंथ है कि लायबिलिटीज पेड बाय द पार्टनर, फर्म ने पे नहीं की, लायबिलिटी का पेमेंट पार्टनर ने किया। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट आपकी जो एंट्री है, नेक्स्ट एंट्री है आपकी एट नंबर की एंट्री, पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर किए कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं। सपोज डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस में डिसोल्यूशन प्रोसेस को पे करने में जो एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं वो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं। डिसोल्यूशन प्रोसेस मींस कि सेल ऑफ असेट्स, ब्रोकर्स को हायर करना, ब्रोकर को कमीशन देना या बाकी की फर्दर कोई लीगल प्रोसेस को फॉलो करना, उसमें कुछ अमाउंट एक्सपेंस किया जाता है, उस एक्सपेंसेस को हम डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कहते हैं। अगर ये फर्म पे कर रही है तो फर्म के अकॉर्डिंग एंट्री पास की जाएगी, अगर ये पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर के अकॉर्डिंग एंट्री पास की जाएगी। इस पॉइंट का एक अलग से टॉपिक है जब वो मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस को पे करने की जो एंट्री होती है वो जस्ट लाइक ए पेमेंट ऑफ लायबिलिटी होती है, तो उसकी एंट्री आप क्या पास करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। यानी अगर सपोज कीजिए 5,000 रुपीज रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस पे हुए हैं तो एंट्री आप क्या पास करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 5,000 रुपीज, यानी ये आपको एंट्री पास करनी है। इन द केस व्हेन रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, यानी फर्म ने पे किए हैं, तो उस केसेस में आपको फिर ये एंट्री पास करनी है। ये मैं बता रहा हूं कि इससे रिलेटेड कई सारे कंडीशंस होती हैं, मैं आपको इसके बाद बताऊंगा इस टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद, उसके लिए अलग से जनरल एंट्रीज है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन। देखिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं वो आप ऑलरेडी लायबिलिटी अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हो, लेकिन पार्टनर का लोन ये इंटरनल लायबिलिटी होती है, क्योंकि पार्टनर इंटरनल पर्सन है हमारी पार्टनरशिप फर्म का। तो इसका सेटलमेंट कैसे करेंगे, अगर पार्टनर ने कोई लोन फर्म को दे रखा है तो उस पार्टनर के लोन का ट्रीटमेंट क्या होगा,
एट द लास्ट जब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज पे हो जाएंगी तो उसके बाद अगर अमाउंट बचता है रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर द पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज तो आपको पार्टनर का लोन अमाउंट पे करना होगा। तो उसके लिए दो एंट्री पास हो सकती है। पहला है कि पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, यानी सपोज कीजिए एक्स ने फर्म को 10,000 रुपीज का लोन दे रखा था तो एक्स के लोन की एंट्री हम पे कर रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 रुपीज। अगर सपोज हमारे पास अभी सफिशियंट फंड नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लोन के अमाउंट को हम इसकी कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसकी एक और एंट्री पास हो सकती है, उसकी एंट्री होती है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये इसकी कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। यानी सपोज एक्स का लोन अगर 10,000 रुपीज का है तो एंट्री होगी एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, यानी हम कैपिटल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इन केस अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें गिविंग नहीं है तो हम कैश से पेमेंट नॉर्मली कर देते हैं। अब देखिए हमारी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई, अब हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ रियलाइजेशन अकाउंट से, प्रॉफिट फ्रॉम रियलाइजेशन। अभी क्या हुआ, असेट सेल हुई, असेट सेल होने के बाद एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का पेमेंट किया, फिर हमने इंटरनल लाइबिलिटी का पेमेंट किया, फिर भी हमारे पास अमाउंट बच गया, तो ये कहलाएगा प्रॉफिट फ्रॉम रियलाइजेशन की, सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी के बाद भी हमारे पास अमाउंट बचा हुआ है। अब इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी सपोज हमारे एक्स और वाई दो पार्टनर हैं तो एंट्री ए प्रॉफिट क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। सपोज अगर लॉस हुआ है तो उस केस में एंट्री अपोजिट हो जाएगी, एंट्री क्या हो जाएगी, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और यहां पर एक बात अच्छी है कि यहां पर केवल एक ही रेशियो होता है, ओल्ड न्यू गेन सेक्रीफाइस का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे केवल एक ही रेशियो होगा और उसी रेशियो के बेसिस पे हम इस एंट्री को पास करेंगे। सपोज हमारे एक्स और वाई को पार्टनर है पर प्रॉफिट हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, और अगर लॉस हुआ है तो एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। तो ये आपकी प्रोसेस है जनरल एंट्रीज की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्दर रियलाइजेशन जो प्रोसेस होती है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, उस प्रोसेस को मैं आपको क्लियर कराऊंगा। और इससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज बहुत आती है एग्जाम में, तो आप इन एंट्रीज को प्रॉपरली समझिएगा और उनको करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।